हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 7 मार्च 2020 है और आज के वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो में बढ़ेंगे आगे, जानकारी दूंगा हमारे नोट्स और कोर्सेज के बारे में। एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए प्रिंटेड नोट्स सभी सब्जेक्ट्स के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अवेलेबल हैं। 1299 रुपये में आप इनको एप्लीकेशन से बुक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा कोर्स अवेलेबल है और कोर्स अभी ये 3999 रुपये में ही अवेलेबल करवाया जा रहा है। प्राइस फिर से घटा दी गई है, तो अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम थॉट ऑफ द डे की। आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपने बनाए रास्ते को चुनो। देखिए क्या होता है लाइफ में, जो कुछ भी बहुत बड़ा करना चाहता है उसको अपना खुद रास्ता बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप किसी को फॉलो करोगे, किसी के बने बनाए रास्ते पर चलोगे, तो आप केवल उतना ही अचीव कर पाओगे जितना उस व्यक्ति ने अचीव किया। अगर उससे आगे जाना है, दुनिया में सबसे आगे जाना है, तो आपको फिर अपने रास्ते पर ही चलना पड़ेगा। और हर एक व्यक्ति जिसने अपना रास्ता बनाया है वो सफल आगे जरूर होता है। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल करने के लिए किन स्थानों को नामित किया गया, तो दो स्थान नामित किए गए हैं। पहला स्थान है धोलावीरा और दूसरा है दक्कल सल्तनत के स्मारक। इस प्रश्न का उत्तर सी सही है। अब प्रश्न का उत्तर काफ़ी सारे लोगों ने दिया, उनमें से तीन उत्तर जो आपने पसंद किए हैं। पहला उत्तर है कमल सिंह का, दूसरा उत्तर है पवन राजपूत का और तीसरा उत्तर है पंकज पारधी का। आप तीनों को बहुत बधाई। और आप भी चाहते हैं इसी प्रकार से आपका नाम, आपका कमेंट, आपका उत्तर यहाँ पर आए, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखा करो और अंत में जो प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दिया करो। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पड़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि संजय कुमार पांडा किस देश में भारत के अगले राजदूत बने हैं, ये बने हैं तुर्की में। दूसरा प्रश्न है कि किस झील को जीवित इकाई के रूप में घोषित किया गया है, तो ये घोषित की गई है सुखाना झील, जो कि चंडीगढ़ में है। तीसरा प्रश्न, कॉमनवेल्थ के पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो ये सम्मान दिया जाएगा जादव पायेंग को, जिनको माउंटेन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चौथा प्रश्न है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश दुनिया का कौन सा बन गया, तो ये लग्जमबर्ग है, जो यूरोपीय कंट्री है। पांचवा प्रश्न कि किस राज्य सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का ऐलान किया है, तो ये उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। वहीं छठवां प्रश्न कि किस कंपनी ने भारतीय बीमा नियामक व प्राधिकरण से ब्रोकरेज लाइसेंस प्राप्त किया है, तो ये पेटीएम ने प्राप्त किया है। सातवां प्रश्न, गूगल ने कहाँ क्लाउड क्षेत्र की स्थापना की घोषणा की है, और ये घोषणा की गई दिल्ली में। आठवां प्रश्न कि बीसीसीआई ने आईपीएल चैंपियनशिप के पुरस्कारों की राशि कम करके कितनी कर दी है, और ये कर दी है 10 करोड़ रुपए। वहीं सातवां प्रश्न है कि किस देश ने पहली बार महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा है, और ये भारत ने। और दसवां प्रश्न है कि खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये किया जाएगा हॉकी इंडिया के द्वारा। ये थे हमारे कल के पड़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, और ये शपथ ली है बिमल जुल्का ने, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो सूचना आयुक्त हैं अभी तक बिमल जुल्का, और ये बन गए हैं अब केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त। अभी तक क्या थे, सूचना आयुक्त थे, अब ये मुख्य सूचना आयुक्त हो गए हैं। किन्हें शपथ दिलाई इनको, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने राष्ट्रपति भवन में इनको अपने पद की और गोपनीयता की शपथ दिलवाई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि दूसरा प्रश्न है कि आरबीआई ने किस बैंक से धन निकासी की अधिकतम सीमा 50,000 रुपये निर्धारित कर दी है, और ये निर्धारित की गई है यस बैंक के लिए, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो सरकार ने प्राइवेट बैंक है यस बैंक और इसके जमाकर्ताओं, यानी इनका जिनका भी खाता इस बैंक में था और उनका पैसा इस बैंक में जमा था, उनसे अब एक महीने के अंदर नकदी निकासी की जो अधिकतम सीमा है उसको 50,000 रुपये निर्धारित कर दिया है, यानी इससे ज़्यादा एक महीने में कोई राशि इससे अब निकाल नहीं पाएगा। ये ऐसा इसलिए किया है कि यस बैंक के अंदर जो वित्तीय स्थिति है वो काफ़ी गंभीर और काफ़ी बड़ी गड़बड़ियाँ हुई हैं, और उसी को देखते हुए 30 दिन के लिए जो यस बैंक का प्रबंधन बोर्ड है उसके सारे अधिकार स्थगित कर दिए गए हैं, और वहाँ पर SBI के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी प्रशांत कुमार को यस बैंक ने क्या कर दिया है, प्रशासक नियुक्त कर दिया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के किस पूर्व प्रमुख का निधन हो गया है, तो इनका नाम है जेवियर पेरेज डी क्यूलर, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र के पूर्व प्रमुख डेवियर पेरेज डी क्यूलर, इनका निधन हो गया, पेरू यानी के रहने वाले थे, वहीं पेरू में इनका निधन हो गया है, और इनकी आयु 100 वर्ष हो गई थी। ये संयुक्त राष्ट्र के जो है 5वें महासचिव थे,
1982 से लेकर 1991 दो कार्यकाल इन्होंने अपनी सेवाएं दी, वहां पर काम किया। बात संयुक्त राष्ट्र की कर लेते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क शहर में जो कि अमेरिका में है। महासचिव वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस हैं और सदस्य देशों की संख्या 193 है। इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम चौथे प्रश्न की कि जनेजा जनासा ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, और ये प्रधानमंत्री बने हैं स्लोवेनिया के, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जनेज जनासा, इनको स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, और अभी तक जो वहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे मार्जेन सरिक, उनका स्थान इन्होंने लिया है, और जनवरी 2020 में अपने पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद में अब ये वहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ये इससे पहले भी 2004 से लेकर 2008 और 2012 से लेकर 2013 में स्लोवेनियाई सरकार का नेतृत्व कर चुके हैं, यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर काम कर चुके हैं। बात स्लोवेनिया की करेंगे तो राजधानी यहाँ की ल्यूबलियाना है, राष्ट्रपति बोरूत पहोर है, और मुद्रा यहाँ की यूरो है। मैप में मैं आपको स्लोवेनिया लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको स्लोवेनिया जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको यूरोप में पश्चिम की तरफ। पश्चिम में आप जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे ये यूरोप है, और यूरोप में ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है ये स्लोवेनिया है। आसपास देखेंगे नीचे की तरफ क्रोएशिया है, ऊपर ऑस्ट्रिया की सीमा लगी हुई है, इस तरफ इटली की सीमा लग जाती है, इधर हंगरी की सीमा लग जाती है, और यहाँ पर ये जो और पिंक कलर का देश दिखाई दे रहा है ये स्लोवेनिया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने पांचवा है कि आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और इनका नाम है एनएस विश्वनाथन, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एनएस स्वामीनाथन ने स्वास्थ्य समस्याओं के चलते हुए अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है, और इन्हें जो है 2016 में 3 साल के लिए रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था, और उसके बाद में इनका कार्यकाल 1 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया था। डिप्टी गवर्नर बनने से पहले बात करें तो ये मॉरिशस के बैंक ऑफ मॉरिशस में पर्यवेक्षण निदेशक के रूप में भी 3 साल की प्रतिनियुक्ति पर काम कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, बात आरबीआई की करेंगे। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, मुख्यालय मुंबई में है, और गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आगे बढ़ेंगे, छठवें प्रश्न की बात करेंगे कि संसद के किस सदन ने प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास ये बिल जो है पारित किया है, और ये पारित किया गया लोकसभा के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो लोकसभा ने प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास इस बिल को पारित कर दिया है, और जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने जो है केंद्रीय बजट में प्रत्यक्ष कर से जो संबंधित विवाद होते हैं उनके समाधान के लिए एक योजना की घोषणा की थी, विवाद से विश्वास योजना, और उसी के लिए ये जो है बिल पारित किया गया है। अब होगा क्या, जिन करदाताओं ने प्रत्यक्ष कर यानी कि इनकम टैक्स जो होता है उसका कोई मामला विवादित है तो वे 31 मार्च 2020 तक अपना कर अदा कर पाएंगे, और उनको जो है अगर डेडलाइन से पहले कर भुगतान कर देते हैं तो ब्याज और दंड जो लिया जाता है उससे उनको मुक्ति मिल जाएगी। बात करेंगे लोकसभा की, जिसने इसको पारित किया है। लोकसभा निचला सदन है और लोकप्रिय सदन है। लोकप्रिय सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जनता इसमें चुने गए सदस्यों के लिए सीधे वोट देती है। कार्यकाल यहाँ का 5 वर्ष होता है, सामान्यतः पहले ही भी भंग किया जा सकता है। सदस्य संख्या की बात करें तो 552 अधिकतम हो सकता है, लेकिन वर्तमान में 543 प्लस 2 हैं, यानी कि 543 निर्वाचित और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 545 सदस्य संख्या है। गठन की बात करें तो अनुच्छेद 81 के तहत होता है और ओम बिरला वर्तमान में अध्यक्ष है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी सातवें प्रश्न की कि किस राज्य में नमस्ते ओरछा महोत्सव आरंभ हुआ है, और ये महोत्सव आरंभ हुआ है मध्य प्रदेश में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो मध्य प्रदेश का जो नवनिर्मित जिला है निवाड़ी जिला, इसके अंदर है ओरछा शहर, और ओरछा शहर में नमस्ते ओरछा महोत्सव आरंभ हुआ है, और ये ओरछा शहर जो है वो बेतवा नदी के किनारे है, ये आपको याद रखना है। उद्देश्य यह है कि जो राज्य की ऐतिहासिक परंपरा है, सांस्कृतिक विरासत है और प्राकृतिक संपदा है और वास्तुकला है, इसको बढ़ावा दिया जाए, इसी के लिए ये शुरू किया गया है। ओरछा जो है ऐतिहासिक स्मारकों के साथ साथ यहाँ के जो राम राजा मंदिर है उसके लिए बहुत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। आगे बढ़ेंगे, बात मध्य प्रदेश की करेंगे तो मैप में देख लीजिए, ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश बिल्कुल बीच में स्थित है। मध्य प्रदेश को देश का दिल, हृदय प्रदेश कहा जाता है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी इसकी भोपाल है। मुख्यमंत्री कमलनाथ है, कांग्रेस की सरकार है। राज्यपाल यहाँ के लालजी टंडन हैं। लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, विधानसभा की 230 सीटें हैं। यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें तो कान्हा कृष्ण नेशनल पार्क यहाँ पर है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है और सतपुड़ा नेशनल पार्क है।
प्रमुख बांधों में इंदिरा सागर बांध है जो कि नर्मदा नदी पर है, और गांधी सागर बांध है जो कि चंबल नदी पर है। आगे बढ़ेंगे, आठवें प्रश्न की बात होगी कि टाइम पत्रिका की 100 वुमन ऑफ द ईयर की लिस्ट में किन भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, और ये दो भारतीय महिला हैं इंदिरा गांधी और राजकुमारी अमृत कौर। यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो टाइम पत्रिका ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजकुमारी अमृत कौर, इनको पिछले शताब्दी की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया है। टाइम पत्रिका की बात करें तो राजकुमारी अमृत कौर को 1947 1947 और इंदिरा गांधी को 1976 1976 के लिए वुमेन ऑफ द ईयर करार दिया गया था। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम नवे प्रश्न की कि भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के किस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, और ये है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसके अंदर एक विभाग है बायोटेक्नोलॉजी विभाग, और इस विभाग ने जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, और इस परियोजना के अंदर जो IISc भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुर है उसके समेत करीब 20 ऐसी संस्थाएं हैं, उनके प्रमुख संस्थान इसमें भाग लेने वाले हैं, और उद्देश्य यह है कि मानव जीनोम जो होता है उसकी मैपिंग की जाए और उन्हें गुणसूत्रों का एक पूरा अनुक्रम प्राप्त करने के लिए एकत्र किया जाए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दसवें प्रश्न की कि भारतीय तीरंदाजी संघ ने कहाँ आयोजित होने वाले एशिया कप से नाम वापस ले लिया है, कोरोना वायरस के कारण ये नाम लिया गया है वापस, और ये आयोजित होनी है बैंकॉक में। यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो भारतीय तीरंदाजी संघ यानी कि AAAI इसने 5 मार्च 2020 को कोरोना वायरस यानी कि COVID-19 जिस बीमारी का नाम है उसके डर से बैंकॉक में जो एशिया कप विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट होने वाला है उसमें अपनी टीम को हटाने का फैसला कर लिया है। अच्छा बात है, आपको ये याद रखना है कि कुछ दिन पहले ये जो AAAI है इस पर क्या लगा दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था। अभी हाल ही में 5 महीने के बाद निलंबन वापस लिया गया है, और उस निलंबन के बाद ये पहला टूर्नामेंट होना था लेकिन भारत ने इसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया है। थाईलैंड में बैंकॉक में 8 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच में एशिया कप टूर्नामेंट आयोजित होना है। यह था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर। बात करेंगे आज के सवाल की कि 10 बैंकों को मिलाकर 4 बैंक बनाने का निर्णय कब से लागू किया जाएगा, कौन कौन से बैंक हैं जिनको किस बैंक में मिलाया जाएगा, तो इन सब का कमेंट करके मुझे उत्तर जरूर दीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ये बताना मत भूलिएगा। ये वीडियो आज का हम यहीं समाप्त करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।